संधारित्रों का संयोजन। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी तक के टॉपिक में पढ़ चुके संधारित्र क्या होते हैं। आप सभी को डेफिनेशन आ चुकी, किसी चालक का बगैर आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा देने की युक्ति संधारित कहलाती है। संधारित्र वे मशीन, वे यंत्र, वे संयंत्र, वे डिवाइसेस हैं जिसमें किसी चालक का आकार नहीं बढ़ाना पड़ता, फिर भी धारिता बढ़ जाती है। आपको समझाए थे कि अगर कोई एक आवेशित चालक हो और उसके निकट अनावेशित चालक रख दिया जाए तो आवेशित चालक में अतिरिक्त आवेश रखने की संभावना बन जाती है, मीन्स चालक की धारिता बढ़ जाती है। और आप लोगों को बच्चों इस तरह से बता दिए थे कि हम किसी चालक का बिना आकार बढ़ाए धारिता बढ़ा सकते हैं। इसी युक्ति, इसी संयंत्र, इसी उपकरण को हम संधारित्र कहते हैं। आपको यह भी पढ़ा चुके हैं कि संधारित्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा गोलाकार प्लेट संधारित्र। दोनों प्रकार के संधारित्रों की धारिता का डेरिवेशन करा चुके हैं। संधारित्र की क्रियाविधि, सिद्धांत, रचना सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन क्या होता है, क्यों संधारित्रों का संयोजन किया जाता है, हम लोग आज इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा जरा, संधारित्रों का संयोजन। प्यारे बच्चों, आप लोग 9th की क्लास में विद्युत वाले चैप्टर में पढ़ते थे प्रतिरोधों का संयोजन। आपको पढ़ाया जाता था वहां कि कई प्रतिरोध जब जोड़े जाते हैं तो प्रतिरोध परिणामी का मान बढ़ जाता है या प्रतिरोध का मान घट जाता है। परिपथ में शामिल प्रतिरोधों का मान बढ़ाने हेतु या प्रतिरोधों का मान घटाने हेतु हम कई प्रकार के प्रतिरोधों को आपस में संयुक्त करते हैं, संयोजित करते हैं। वैसे ही कई प्रकार के संधारित्र अगर हमें दिए जाए, उनकी धारिता बढ़ाना हो या धारिता घटाना हो, संधारित्रों की धारिता मान बढ़ाने के लिए या धारिता का मान कम करने के लिए हमें संधारित्रों को संयुक्त करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। जैसे वहां पढ़े थे बेटा, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का था, याद होगा सबका, श्रेणी संयोजन, समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन का अलग डेरिवेशन हुआ था, शायद R बराबर R1 धन R2 धन R3। समांतर संयोजन का डेरिवेशन हुआ था 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा जो है प्रतिरोध संयोजन 9th की क्लास में था। सेम उसी तरह से यहाँ बेटा मैं आपको संधारित्रों का संयोजन पढ़ाऊंगा। कई संधारित्र का जोड़े जाना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। कई संधारित्र हम जोड़कर उनकी धारिता बढ़ाते हैं या धारिता घटाते हैं। संधारित्रों की परिणामी धारिता को ज्यादा से ज्यादा करने या धारिता को कम से कम करने के लिए हमें संधारित्रों का संयोजन करना होता है। हम संधारित्रों को दो तरह से जोड़ते हैं, श्रेणी संयोजन में या समांतर संयोजन में, जैसे कि प्रतिरोध का संयोजन हुआ था। तो यहां हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं, संधारित्रों का जोड़े जाना, संयुक्त किया जाना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। और बच्चों, कई संधारित्र जोड़ के परिणामी धारिता का मान हम घटाते हैं या बढ़ाते हैं। संधारित्रों को परस्पर संयोजित करके परिणामी धारिता, संधारित्रों को परस्पर संयोजित करके परिणामी धारिता का मान
बढ़ाया या घटाया जाता है। कहने का मतलब हुआ कि हम कई संधारित जब जोड़ते हैं तो परिणामी धारिता बढ़ भी सकती है और परिणामी धारिता घट भी सकती है। तो धारिता घटाना होता है तभी संयोजन किया जाता है, धारिता का मान बढ़ाना होता है तभी संयोजन किया जाता है। तो इस तरह से जो है हम लोग संधारित्वों का संयोजन धारिता बढ़ाने या धारिता घटाने के परपज में करते हैं। संधारित्वों का संयोजन बच्चों दो तरह से होता है, श्रेणी संयोजन और संधारित्रों का समांतर संयोजन। श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। देखो बच्चों, अभी इसके पहले हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त किया था। जो बच्चे की क्लास लिए रहे होंगे, डेरिवेशन बड़ा टफ था। हमने बताया था कि इसके बाद वाले सारे डेरिवेशन आप सबको समझ में आएंगे क्योंकि वो थोड़ा कठिन था ही, तो ये सब आज समझ में आएंगे। आपके सामने हमने चार पांच लाइन लिखा, सारी लाइनें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। संधारित्रों को जोड़े जाना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। यानी कई संधारित्र हम जब जोड़ते हैं तो संधारित्रों को जोड़ने की प्रक्रिया ही संधारित्रों का संयोजन कहलाती है। कई सारे संधारित्र आपस में जोड़ो, उन्हें संयुक्त करो, इसी प्रक्रिया को संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। संधारित्रों के संयोजन की प्रक्रिया में धारिता का मान या तो बढ़ जाता है या तो धारिता का मान घटता है। हम धारिता को बढ़ाने और धारिता को घटाने दोनों काम करने के लिए संधारित्रों का संयोजन करते हैं। और संधारित्रों का संयोजन कई प्रकार का होता है, दो, श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन। समझ गए होंगे, एक प्रकार के संयोजन के दौरान धारिता बढ़कर मिलती होगी और दूसरे प्रकार के संयोजन के दौरान धारिता घटकर मिलती होगी। मतलब हमारे पास अगर कई संधारित्र, मान लो 5-5 माइक्रोफैराड के कई संधारित्र, हम उनको अगर एक तरीके से जोड़ेंगे तो परिणामी धारिता ज्यादा हो जाएगी, 50-60 हो जाएगी, या किसी दूसरे स्टाइल से जोड़ेंगे तो परिणामी धारिता घट जाएगी, 1 माइक्रोफैराड या आधा माइक्रोफैराड हो जाएगी। डिपेंड करता है संयोजन की स्टाइल पर। तो आज आपको यही सिखाएंगे कि संधारित्रों का संयोजन कैसे होता है और हर प्रकार के संयोजन के दौरान धारिता कैसे बढ़ती है या कैसे घटती है, ये हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है, पहला संयोजन है श्रेणी संयोजन और दूसरा संयोजन है समांतर संयोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी संयोजन के बारे में कि श्रेणी संयोजन संधारित्रों का कैसा होता है। श्रेणी संयोजन, सबसे पहले हम श्रेणी संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर कोई संधारित बनता है तो आपको संधारित की फिकर याद आनी चाहिए। हमने बताया है कि दुनिया का कोई संधारित रहेगा उसमें हमेशा कई प्लेटें रहेगी, दो। पहली प्लेट किससे जुड़ी रहेगी, वैद्युत स्रोत से और आवेशित रहेगी, और दूसरी प्लेट जो अनावेशित रहेगी उसको किससे जोड़े रहेंगे। तो अब समझो कि जैसे ये एक संधारित्र है, अगर ये एक संधारित्र है, आप ध्यान से देखिए कि हमने ये एक संधारित्र आपके सम्मुख रखा है, ये संधारित्र की पहली प्लेट है और ये संधारित्र की, ऐसे ही आगे भी संधारित्र अगर हम रख दें, एक संधारित्र ये रख दें पहली प्लेट दूसरी प्लेट, ढेर सारे संधारित्र ऐसे रख दें और उन्हें जोड़ना शुरू करें कोई सुचालक तार से, लेकिन एक स्पेशल स्टाइल में। ये जो पहला संधारित्र है इसकी जो दूसरी प्लेट है इसमें तार बांध करके इस तार को दूसरे वाले संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, और दूसरा जो संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से, और वो जो अगला संधारित्र है उसकी दूसरी प्लेट को अगले संधारित्र की पहली प्लेट से। इस तरह से सीरीज में हम अगर संधारित्रों को जोड़ते हैं तो संधारित्रों का यही संयोजन श्रेणी संयोजन कहलाता है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चित्र बना के दिखाएं तो क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिए जरा,
प्यारे बच्चों, अगर हम आपके सामने एक संधारित्र बनाए, अगर जो है सैद्धांतिक फिगर, यहाँ देखो जरा सभी लोग, कोई एक संधारित्र मान ले रहे हैं, यह संधारित्र है और यह संधारित्र की प्लेट एक्स है और यह संधारित्र की प्लेट वाई है। आप सभी के सामने एक संधारित्र बना हुआ जिसकी एक प्लेट क्या है एक्स, दूसरी प्लेट क्या है और बच्चों इस संधारित्र की पहली प्लेट को हम कहीं स्रोत से जोड़कर प्लस क्यू आवेश दिए हैं, यहाँ प्लस आवेश ऐसे इस पर एक समान रूप से वितरित है। इस संधारित्र की धारिता मान लेते हैं सी वन है। आपके सामने एक संधारित्र रखे हैं, संधारित्र की खासियत क्या है कि संधारित्र का निर्माण दो प्लेटों से दिखाई दे रहा है, पहली प्लेट का नाम बोलो और दूसरी प्लेट का नाम। इस संधारित्र की धारिता कितनी है? अब बच्चों इसी के बगल एक और संधारित्र रख दे, ऐसे बगल में एक और संधारित्र रख दे, अगर ऐसे ही दो प्लेटों वाला, एक प्लेट का नाम एक्स डैश है, दूसरी प्लेट का नाम और इसकी धारिता मान लेते हैं सी टू है। कैसा धारित दिखने लगे? दो। एक और संधारित्र रख दे, ऐसे ही एक संधारित्र इस तरह से हमने यहां रख दिया दो प्लेटों युक्त। आप सभी को गौर फरमाइएगा, एक प्लेट का नाम एक्स डबल डैश, एक प्लेट का नाम वाई डबल डैश और इसकी धारिता। ये हमारा पहला संधारित्र है, ये हमारा दूसरा संधारित्र है और ये ऐसे ही हम बहुत सारे संधारित्र बना सकते हैं कि नहीं, तीन बना करके काम चला रहे हैं, ठीक है, बनाने को बहुत सारे बना सकते हैं। तो अब आपके सामने एक दो तीन, कितने संधारित्र हैं? तीनों संधारित्र कैसे जोड़े जाएंगे, इनकी क्रिया विधि और रचना और इनका जो है फार्मूले का डेरिवेशन सब आपके सामने रख रहे हैं। पहले रचना और क्रिया विधि समझो। माना तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है। पहले संधारित्र की दोनों प्लेटों का नाम क्या है? एक्स और वाई। पहला संधारित्र एक्स वाई है, दूसरा संधारित्र क्या है? एक्स डैश वाई डैश प्लेटों से बना हुआ है। तीसरा संधारित्र किससे बना है? एक्स डबल डैश वाई डबल डैश। तो इस तरह से कुल कितने संधारित्र दिखाई दे रहे हैं? अब बच्चों क्रिया विधि और रचना सब कुछ जोड़ो, संयोजन करें, संयोजन स्टाइल से करें कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दें, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट को पृथ्वी से संबंधित कर दे। और संधारित्रों का यही संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? श्रेणी संयोजन। इज दैट ओके? यदि हम कई संधारित्र इस प्रकार संयोजित करें कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट वैद्युत स्रोत से, दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की और इसी क्रम में सारे संधारित्र जोड़े, अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट किससे जोड़ दें? तो संधारित्रों का यही संयोजन क्या कहलाता है? तो श्रेणी संयोजन की परिभाषा दे लोगे बेटा, यदि कई संधारित्र इस क्रम में जोड़े जाएं कि पहले संधारित्र की पहली प्लेट वैद्युत स्रोत से, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की, इसी क्रम में सारे संधारित्र जोड़ दिए जाएं और अंतिम वाले संधारित्र की आखिरी वाली प्लेट किससे जोड़ दी जाए, तो यह संयोजन कौन सा संयोजन कहलाता है? क्रिया विधि समझो। क्रिया विधि देखो भावपाल, पहला संधारित्र है, इसकी धारिता C1 है, इसकी पहली प्लेट स्रोत से जुड़ी है, प्लस क्यू आवेश आया, ये पूरी तरह से किस आवेश से आवेशित हो गई? प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो गई है। सामने वाली प्लेट अनावेशित है, स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इसका सामने वाला तल कौन से आवेश से आवेशित हो गया? ये हम लोग जानते हैं
कि अगर कोई आवेशित प्लेट के सामने अनावेशित प्लेट रखी जाए तो अनावेशित प्लेट विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है और इस घटना को क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण। तो यहाँ स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण ये वाली प्लेट का भीतरी तल किस आवेश से आवेशित हो गया और इस प्रकार दोनों प्लेटों के बीच कुछ ना कुछ विभवांतर बन गया ना। मान लेते हैं दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बन गया V1 इधर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो दूसरी प्लेट है इसका भीतरी वाला सिरा कौन से आवेश से आवेशित है, तो बाहर वाला सिरा धन आवेश से आवेशित हो गया होगा, लेकिन बाहर हमने क्या जोड़ दिया है, तार। तो वो पूरा आवेश इस तार से होकर बहने लगेगा और ये प्लेट पूरी तरह किस आवेश से आवेशित हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस आवेश आ गया, तो ये पूरी तरह से ये प्लेट प्लस आवेश से आवेशित हो गई। तार लगा के हम प्लस आवेश यहाँ का यहाँ पहुंचा दिए इधर टोकी। अब दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट प्लस आवेश से आवेशित दिखाई दे रही है, इसके सामने दूसरी प्लेट अनावेशित है, फिर कौन सी घटना होगी, स्थिर वैद्युत प्रेरण। और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट किस आवेश से आवेशित हो जाएगी, और आप समझ रहे हो दोनों प्लेटों के बीच फिर क्या बन जाएगा, विभवांतर। एक प्लस है एक माइनस है, दोनों के बीच विभवांतर बन गया, मान लेते हैं V2। इज दैट ओके, क्रिया विधि समझा रहे हैं। अब बेटा जो दूसरा संधारित्र है, संधारित्र नंबर 2, इसकी दूसरी प्लेट का भीतरी सिरा किस आवेश से आवेशित है, तो बाहरी सिरा किस आवेश से आवेशित है, तो यहाँ बाहरी वाले सिरे पर धन आवेश होगा, लेकिन हम वहां तार लगा दिए हैं तो सारा धन आवेश तार से प्रवाहित होने लगेगा और किस पर आ जाएगा, इस वाली प्लेट पर। और ये वाली प्लेट इस तरह से जो है प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो जाएगी। इसके सामने वाली प्लेट स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण किस आवेश से आवेशित हो जाएगी, तो यहां इधर जो है भीतर की ओर ऋण आवेश बन गया। और बच्चों दोनों प्लेटों के मध्य फिर पर्याप्त क्या हो गया, यहां दूसरा जो संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है भीतरी तल इसका किस आवेश से आवेशित है, तो बाहरी तल किस आवेश से आवेशित हो जाएगा, लेकिन ये किससे जुड़ी है, तो सारे धन आवेश क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। क्यों समाप्त हो जाएंगे, जैसे यहां धन आवेश बना, मान लो यहां 10 धन आवेश बना, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन की कमी बनी, धन आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन कमी, और ये प्लेट जुड़ी है पृथ्वी से, तो पृथ्वी तो इलेक्ट्रॉन का सागर होती है, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस जो है कमी को पूर्ण कर देंगे, यहाँ पर जो है पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन की कमी समाप्त हो जाएगी, मतलब ये प्लेट पूरी तरह से ऋणावेशित दिखेगी। ये संधारित्रों का श्रेणी संयोजन है, चित्र भी है माने रचना है, क्रिया विधि भी है, हमने बताया कि किस तरह से संधारित्रों का श्रेणी संयोजन होता है और उसमें कैसे क्रिया होती है, कौन सा संधारित्र किस प्रकार के आवेश से आवेशित होता है और उनके प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या बनता है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं, संधारित्रों का जोड़े जाना संधारित्रों का संयोजन कहलाता है। हम कई संधारित्र को जोड़कर परिणामी धारिता अधिकतम या न्यूनतम करते हैं। संधारित्रों को जोड़ने से परिणामी धारिता बढ़कर या घटकर मिलती है। संधारित्रों को कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है, दो प्रकार से, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। यदि कई संधारित्र इस प्रकार जोड़े जाए कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से और तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट ऐसे ही अगले संधारित्र की पहली प्लेट से और इस प्रकार अंतिम वाले संधारित्र की दूसरी वाली प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, तो संधारित्रों का यह संयोजन चित्र बना के दिखा रहे हैं। माना 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 और जिनकी प्लेटें XY
एक्स डैश और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश है। तो यहाँ पहला सैटेलाइट तब ने बनाया एक्स वाई प्लेटों से डाल्टन सीवन वाला, दूसरा सैटेलाइट बनाया एक्स डैश वाई डैश प्लेटों से डाल्टन सीवन वाला, तीसरा संधारित बनाया एक्स डबल डैश वाई डबल डैश प्लेटों से ढांचा सी3 वाला। हम और भी संधारित ले सकते थे, इन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, मतलब पहले संधारित की दूसरी प्लेट वाई को दूसरे संधारित की पहली प्लेट एक्स डैश से सुचालक तार द्वारा जोड़ दिए, दूसरे संधारित की दूसरी प्लेट वाई डैश को तीसरे संधारित की पहली प्लेट एक्स डबल डैश से सुचालक तार द्वारा जोड़ दिए और तीसरे संधारित्र की आखिरी प्लेट वाई डबल डैश को पृथ्वी से संबंधित कर दिए। तो यह संयोजन तीनों संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाया। क्रिया विधि देखो कैसे क्रिया हुई, जैसे क्रिया समझाया हमने कि चूंकि पहले संधारित्र की पहली प्लेट एक्स स्रोत से जुड़ी है इसलिए स्रोत से प्लस क्यू आवेश इस प्लेट पे आया, ये प्लेट पूरी तरह से प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो गई और इस संधारित्र की इस आवेशित प्लेट के सामने जो अनावेशित प्लेट वाई है स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इसका भीतरी तल ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया, दोनों प्लेटों के बीच पर्याप्त विभवांतर बन गया बी वन और जो बाहरी तल पर आवेश प्लस क्यू बना वो सुचालक तार के माध्यम से चला आया दूसरे संधारित की पहली प्लेट एक्स डैश पर और इस कारण दूसरे संधारित की पहली प्लेट एक्स डैश पूरी तरह से किस आवेश से आवेशित हो गई, प्लस क्यू आवेश से आवेशित हो गई। स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण इस संधारित की दूसरी प्लेट वाई डबल डैश का भीतरी सिरा विपरीत आवेश माने ऋणात्मक आवेश से आवेशित हो गया और बाहर वाला तल किस आवेश से आवेशित होगा, लेकिन बाहर वाला तल किससे जुड़ा है, सुचालक तार से, तो इसलिए सारा आवेश इस तार से होकर तीसरे संधारित की पहली प्लेट एक्स डबल डैश पर आ गया। परिणामतः तीसरे संधारित की पहली प्लेट एक्स डबल डैश पूरी तरह से किस आवेश से आवेशित हो गई, प्लस क्यू आवेश से। स्थिर विद्युत प्रेरण के कारण तीसरे संधारित्र की सामने वाली प्लेट वाई डबल डैश का भीतरी सिरा किस आवेश से आवेशित हो गया, माइनस, और बाहरी सिरा माने बाहरी सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, चूंकि बाहरी प्लेट जुड़ी है पृथ्वी से तो इलेक्ट्रॉन की पूरी कमी समाप्त हो गई। यहां आप दो चीजें देख रहे हैं, कई संधारित्र है, धारिताएं कितनी है, सीवन सी टू सी थ्री, किस क्रम में जुड़े हैं तीनों संधारित्र, और एक खास बात और नजर आ रही है, सभी संधारित्र जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सब में समान आवेश प्रवाहित हो रहा है। इसमें आवेश प्रवाह हुआ क्यों, इसमें भी देखो आवेश कितना आया क्यों, और इसमें भी कितना आवेश आया, माने जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो उनमें आवेश समान प्रवाहित होता है। विद्युत वाले चैप्टर में भी पढ़े थे कि जब जो है प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन किया जाता है तो उसमें धारा समान प्रवाहित होती है। एक और बात देखो दिखाई दे रहा है, सब में विभवांतर अलग है, पहले संधारित्र का विभवांतर कितना है, दूसरे संधारित्र का विभवांतर, तीसरे संधारित्र का विभवांतर, तो ये सारी चीजें हमको लिखनी चाहिए जो अभी अभी बताए, ठीक है, हम जो है कैलकुलेशन करा रहे हैं आप सब लिख लोगे, ध्यान दो, ये समझ में आई तरी बात है, क्या क्या बताए बेटा, जितना अभी तक बताए रचना क्रिया विधि वगैरह, देखो जरा, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में कौन सा संयोजन हुआ है, कुल विभवांतर, अगर हम आपसे कहे कुल वोल्टेज बताओ, पहले संधारित्र का विभवांतर, दूसरे संधारित्र का, तीसरे का, टोटल क्या हो जाएगा, जैसे अगर देर आर तीन गदेला, अगर कहीं तीन गदेला हो और हम बुलाएं
कहें चल दीवार से धक्का मार, दीवार धके, तो एक गदेला मान लो 5 न्यूटन ताकत से धकेल रहा हो, एक लड़का 8 न्यूटन ताकत से धकेल रहा हो और एक 7 न्यूटन ताकत से धकेल रहा हो, गौर फरमाइए मेरी बात को, हियर आर कै गदेला एंड धकेलिंग दीवार, पहला कितनी ताकत झोंक रहा है, दूसरा, तीसरा, माने दीवार की कितनी ताकत खा रही है, तीनों घटाए दे, चलो बगल हो कौन मेठा डोर पहलवान टाइप के लड़के बुला ली जब अकेला भी इसके ताकत दाई दे है, तो कौन दिक्कत तो ना बा, तो तीनों हटा के एक आदमी खड़ा कैसे किनारे, तो ऐसे एक संधारित्र यह बा, एक यह बा, एक यह बा, तीनों हटा के कल्पना करी कि कौन अकेले एक संधारित्र बा जो तीनों के सामिला ताकत रखत बा, ओके धारतसी बा और ओके वोल्टेज भी है, का कहा तही तीनों संधारित्र के बजाय ऐसे किसी संधारित्र की कल्पना करो जो तीनों को हटा करके रखा जा सके, जिसकी ताकत तीनों के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, यदि श्रेणी संयोजन के दौरान इधर देखो संधारित्रों के तुल्य संधारित्र की धारिता सी व विभवांतर हुई हो, गौर से देखिएगा कि तीनों संधारित्र के स्थान पर हम कोई एक संधारित्र की कल्पना करें जिसकी धारिता सी और विभवांतर, तो देखो वी बराबर क्या आया है, यही है, चूंकि अब संधारित्र में धारिता और विभवांतर में संबंध पड़े हैं, आपको हमने इसी चैप्टर पढ़ाया है कि C बराबर Q अपान B, आवेश और विभवांतर का अनुपात धारिता कहलाती है, C बराबर या Q बराबर तिरछा गुणा कर दो C भी, तो चूंकि Q बराबर C इंटू B, Q बराबर क्या होता है C इंटू B, तो अपने आप बताओ B बराबर क्या होगा, बराबर इसलिए बी वन क्या होगा क्यू वन नहीं क्यू, क्योंकि सब में आवेश क्यू क्यू वन, क्यू वन का उभय ना था लेकिन धारिता बी टू का हो, बी थ्री का हो, हम के मान पाएंगे वी का बी वन का बी टू का बी थ्री का, समीकरण एक में रख दे, दिख रहा है समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है जरा देखो, v बराबर v1 v2 v3, v की जगह क्या लिख दे q अपान c, v1 जगह q अपान c1, q अपान c2, q अपान c3, सब जगह q दिखाता है, सिद्धांत दे दी, क्या बचेगा यहां वन अपान सी, वन अपान सी वन, वन अपान सी टू, प्यारे साथियों ये संधारित्रों के श्रेणी संयोजन का फार्मूला आ गया, आपको बताना चाहेंगे कि जब प्रतिरोधों का समांतर संयोजन होता था तो वन अपान आर बराबर वन अपान आर वन धन वन अपान आर टू धन वन अपान आर थ्री, वैसे यहां श्रेणी संयोजन दिया था, इसको अगर लैंग्वेज में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन के दौरान प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों, वन अपान है प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ही तुल्य धारिता होती है, ये वन अपान सी है, सभी धारिताओं का व्युत्क्रम करो जोड़ो उल्टा करो तब सी आ जाएगा, तो संधारित्र के श्रेणी संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम परिणामी धारिता होती है, तुल्य धारिता होती है, और चूंकि यहां व्युत्क्रम में है इसका मतलब जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तो परिणामी धारिता
घट जाती है। अगर कई संधारित्र दे दिए जाए और धारिता हमें कम करना रहे तो हम निश्चित तौर पर उन्हें किस क्रम में जोड़ेंगे? तो ये आप सभी को समझ में आ रहा है बेटा, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का व्यंजक हम लोग प्राप्त कर लिए। 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ये अगर तीन संधारित्र हैं तो इनके संयोजन के लिए तुल्य धारिता का व्यंजक हुआ। ऐसे अगर n संधारित्र होते, जैसे हमने तीन संधारित्र लेके बनाया है, ऐसे ही n संधारित्र होते तो तुल्य धारिता C के लिए क्या फार्मूला आता? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 ……। और बच्चों ये भी समझ में आ रहा है कि संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तुल्य धारिता का मान पहले वाली धारिता से घट जाता है। तो जब धारिता को कम करना होता है तो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का समांतर संयोजन। और बच्चों इसी तरह से पढ़ेंगे कि कितने प्रकार से ये जो है समांतर संयोजन की क्रियाविधि क्या है, तुल्य धारिता क्या है, रचना क्या है, यही सब पढ़ेंगे। अगर हमें कई संधारित्र दे दिया जाए, तीन संधारित्र, चार संधारित्र, पांच संधारित्र, चाहे जैसे चाहे जैसे ले लें, और जैसे एक संधारित्र हमारा ये इस तरह से है, ये एक संधारित्र है जिसकी धारिता C1 है, संधारित्र नंबर एक, प्लेट एक्स है, प्लेट वाई, सभी को दिखाई दे रहा है, हमने एक संधारित्र बनाया है C1 धारिता का प्लेट एक्स और प्लेट वाई से, ओके। एक संधारित्र अगर हम और आपको दे दे और वो संधारित्र जो है दो प्लेटों, ये दूसरा संधारित्र है, धारिता C2 है, ये प्लेट एक्स डैश और प्लेट वाई डैश से मिलकर बना हो, अब हमारे को कितने संधारित्र दिखाई दे रहे हैं? दो। एक संधारित्र एक्स वाई, दूसरा संधारित्र धारिताएं दोनों की C1 C2। मान लो एक और संधारित्र दे दे, ऐसे हम कई सारे संधारित्र ले सकते हैं। एक और ये संधारित्र हमको दे दिया, तीसरा संधारित्र धारिता C3, प्लेट एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, ऐसे ही हमें कई संधारित्र अगर दे दिया जाए, एक्स वाई संधारित्र धारिता C1, एक्स डैश वाई डैश संधारित्र धारिता C2, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश संधारित्र धारिता C3, तीन ही संधारित्र ले रहे हैं, ऐसे असंख्य संधारित्र दे सकता है। और अगर हम इन संधारित्रों को इस तरह से जोड़े किसी विशेष स्टाइल में कि सभी संधारित्र की पहली प्लेटें किसी एक स्थान से जुड़ी हो, जैसे स्थान ए से प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटें जुड़ी है, उठा गाड़ दी ए से सबका जोड़ दी, और दूसरी प्लेटें किसी दूसरे स्थान से जुड़ी हो, ऐसे गौर से देखिए बच्चों, यदि हम कई संधारित्र इस प्रकार जोड़े कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटें किसी एक स्थान से और दूसरी प्लेटें किसी दूसरे स्थान से, पहला स्थान विद्युत स्रोत से जुड़ा हो प्लस क्यू आवेश मिल रहा हो और दूसरा स्थान पृथ्वी से संबंधित हो, तो संधारित्रों का यही संयोजन संधारित्रों का श्रेणी संयोजन कहलाता, समांतर संयोजन कहलाता है। जब कई संधारित्र इस प्रकार जोड़े जाएं कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेटें किसी एक बिंदु से और दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, पहले बिंदु का संबंध स्रोत से और दूसरे बिंदु का संबंध पृथ्वी से हो, तो संधारित्रों का यही संयोजन क्या कहलाता है? समांतर संयोजन। इधर टोके संधारित्रों का यही संयोजन कैसा संयोजन कहलाता है? अब इसकी क्रिया विधि समझो, यहां स्रोत से कितना आवेश चल रहा है, क्यों, कहां पर पहुंचा? ए पर। जब ये प्लस क्यू आवेश संधि ए पर पहुंचा
तो आपको दिखाई दे रहा है कि प्लस क्यू आवेश बहते हुए जब ए पर आया तो इसको प्रवाहित होने के लिए तीन रास्ते दिखने लगे। तो कुछ आवेश इसमें चला जाएगा, कुछ आवेश इधर वाले रास्ते में, कुछ आवेश जब जो है स्रोत से प्लस क्यू आवेश प्रवाहित होते हुए बिंदु ए तक पहुंचा तो बिंदु ए पर इसको प्रवाहित होने के लिए तीन मार्ग था, इसलिए इसका जो है वैल्यूएशन तीन भागों में